हेलो स्टूडेंट्स, तो अब बारी है बीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन एएमयू 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की। तो डिफरेंट फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे आपके साथ साथ, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो कि कट ऑफ को इम्पैक्ट करने वाले हैं, कितनी सीट्स हैं एएमयू के अंदर और किस किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, एक्सटर्नल की कट ऑफ क्या जाने वाली है, इंटरनल की क्या जानी है, कौन सा सब्जेक्ट आपको मिलने के चांस हैं, कितने नंबर अगर आए हैं, तो टॉप पे कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है और बॉटम में कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं, ये सब बातें करेंगे। वेटिंग लिस्ट की भी बात करेंगे, वेटिंग लिस्ट कहाँ तक क्लियर होती है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम पूरा एनालिसिस करेंगे। जनरल एनालिसिस होगा जो कि फैक्टर्स पे बेस्ड होगा, हर तरह से, कहीं से भी कोई भी चीज़ हाइपोथेटिकल नहीं होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था। तो क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है वो हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, एक्स वाई जेड जो भी आपने हमें कमेंट किए हैं पिछले 3-4 दिन के अंदर उसी पे बेस्ड है ये। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो कह रहे हैं कि जी मॉडरेट था क्वेश्चन पेपर, ज़्यादा टफ भी नहीं था, कुछ सवाल ज़रूर टफ थे, बट मैं बता दूं आपको कि जो मुझे लगता है कि इंग्लिश के पोर्शन में जो कि मतलब तकरीबन 25 सवाल थे वहाँ से, और यहाँ पे 10-12 सवाल तो काफ़ी ईजी थे, लेकिन बाकी करीब 14-15 सवाल जो हैं वो ऐसे थे जो वाकई में मुश्किल थे और बहुत कम बच्चों ने वो अटैम्प्ट किए होंगे। तो आप 10 नंबर यहाँ से लगा लो जो इजीली आए होंगे हर एक बच्चे के। इसके अलावा इंडो इस्लामिक की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश में हो गए आपके 10 नंबर कम से कम, और उसके बाद इंडो इस्लामिक की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ईजी पोर्शन था, यहाँ पे स्कोर करना भी काफ़ी आसान होता है क्योंकि इसके साथ एएमयू का हिस्ट्री जो है उससे भी सवाल आते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 20 के आसपास 25 में से आराम से बच्चों ने किए होंगे, कोई 20-22-23 तक भी पहुँचा होगा। ओके, तो बेहद आसान पोर्शन ये कहा जा सकता है, ये अच्छा कहा कह लीजिए जो भी गए हैं आप। इसके अलावा जीएस प्लस करंट से अगर हम बात करें तो वहाँ पे तकरीबन आप कह सकते हैं कि इसमें मैथ्स रीजनिंग भी आप ले लीजिए, तो मैथ्स के साथ 8 सवाल थे, तो आप कहिए कि मतलब 10 सवाल यहाँ ऐसे थे जो वाकई में बहुत टफ थे और बाकी सवाल जो थे तकरीबन 40 के आसपास वो आसान थे। तो जीएस आप कह सकते हैं जीएस प्लस मैथ्स रीजनिंग। ओके, मैथ्स करंट इंजीनियरिंग वगैरह जो भी है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे आपके 40 सवाल करने वाले थे, 8 से 10 सवाल तो वाकई में टफ थे जिनको करना बहुत मुश्किल था और शायद किसी ने किया हो। तो ये आपके कितने नंबर हो गए आपके जी, 40, 20, 60, 70, 70 तो नहीं लेकिन फिर भी 60 तक काफ़ी बच्चे पहुँचे होंगे, लेकिन 60 के ऊपर बच्चे बहुत ही कम पहुँचे होंगे। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि अगर आपको टॉप सब्जेक्ट चाहिए तो टॉप सब्जेक्ट में आपके आते हैं ज्योग्राफी, जिसमें 100 सीट हैं, इकोनॉमिक 100 सीट है, पॉलिटी में भी 100 सीट, हालांकि सीटों की वहाँ कोई कमी नहीं है, बट यहाँ पे बच्चे प्रायोरिटी इन सब्जेक्ट्स को ही देते हैं। और जिनके नंबर आई थिंक 50 से ऊपर होंगे, तो आप मान के चलिए कि अगर एक्सटर्नल कैंडिडेट को 50 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो वो इन सब्जेक्ट को लेने की सोच सकते हैं। ये रही आपकी सब्जेक्ट चॉइस की बात, लेकिन अगर आपके 50 से कम नंबर हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट चॉइस बहुत कम हो जाएगी और नीचे आते आते काफ़ी और कम हो जाएगी, 40 के नीचे जाते आते ही सब्जेक्ट चॉइस तकरीबन ना के बराबर रह जाएगी, फिर आपको सब्जेक्ट चॉइस नहीं मिलने वाली। हाँ, एडमिशन एमयू में मिल सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, तो वो वेटिंग लिस्ट की भी हम बात कर लेंगे कि वेटिंग कितने तक जनरली क्लियर होती हुई देखी गई है पिछले सालों में, क्योंकि एमयू जो है कभी भी कोई ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं करता, तो ये सिर्फ अंदाज़ा होता है। आप जैसे बच्चे में बताते हैं फ़ोन करके, मैसेज करके, टेलीग्राम ग्रुप में या यूट्यूब पे कमेंट करके कि जी हमारे मार्क्स इतने थे और हमारा सिलेक्शन हो गया, इतनी हमारी वेटिंग आई थी या वट एवर। ओके, तो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये हो सकता है कि आपका एक्सटर्नल जो अगर कैंडिडेट हैं उनके अगर 50+ हैं तो वो सेफ हैं जनरल केस में, 50+ पर उनको सब्जेक्ट चॉइस भी मिलेगी खूब, शायद ही कुछ ऐसा हो कि वही इकोनॉमिक्स ना मिली और ज्योग्राफी मिल गई, इतना तो चलेगा, लेकिन टॉप के 2-3 सब्जेक्ट में वो बने रहेंगे ऐसी उम्मीद है। लेकिन जो 60+ है उन्हें हर एक चॉइस अवेलेबल होगी, इतना तय है। ओके, इंटरनल की अगर हम बात करें तो ये 35+ पे जा करके बच्चों को हर एक सॉरी चॉइस मिलनी शुरू हो जाएगी, सब्जेक्ट की चॉइस भी आपकी मिलनी शुरू हो जाएगी और आपको दो तीन टॉप सब्जेक्ट में एडमिशन मिल सकता है। बट अगर इससे कम नंबर हैं तब आपको दिक्कत होगी, सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे कम हो जाएगी। और अगर ओबीसी की हम बात करें तो 2 नंबर आप यहाँ पे कम करके चल सकते हो, ऐसे ही यहाँ पे एससी के लिए अगर हम बात करें एक्सटर्नल को, तो आप 45 के आसपास समझ लो और एसटी भी लगभग यहीं 45। ओके, जस्ट अ मोमेंट, और एसटी भी लगभग 43 पे आप समझ लो कि यहाँ तक आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आप एसटी में हैं तो। ओके, ऐसे ही आप इंटरनल की बात करेंगे तो ओबीसी में यहाँ पर और 2 नंबर कर लो कम, 33 हो जाएंगे, और ऐसे ही एससी में और 2 नंबर कम कर लो, 31, और उसके बाद 30 के आसपास आपको एसटी कैंडिडेट की हैसियत से भी एडमिशन मिल सकता है। तो ये रही इंटरनल और एक्सटर्नल की बात। अब बात ये आती है कि बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 30 नंबर आए होंगे, 28 नंबर आए होंगे, तो ऐसे बच्चों के एडमिशन मिलते हुए देखा गया है 28-30 के लिए भी, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ काफ़ी हैं, आई थिंक 12 से 15 सब्जेक्ट तो मिनिमम बनते ही बनते हैं, जिनमें आपका सारे के सारे मेन सब्जेक्ट भी हैं और उर्दू, अरबी, फारसी, अरेबिक वगैरह ये सब भी हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे एमयू के अंदर हैं और सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सीट्स की बात करें तो टोटल सीट्स अप्रोक्सीमेटली बॉयज़ के लिए 721 और गर्ल्स के लिए हैं तकरीबन 585।
तो 7, 5, 12 यानी कि 1300 कुछ सीट हैं, 1306 सीट ही आपकी टोटल हो जाती हैं। तो काफ़ी सीट्स हैं, एमयू सीट्स की कोई कमी नहीं है। और अगर आपकी वेटिंग आती है तब भी किस हद तक क्लियर होगी, वो भी हम अभी थोड़ी देर में ही बात कर लेंगे। अब देखिए वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कट ऑफ तय करते हैं, क्योंकि कट ऑफ कभी भी फिक्स नहीं होती, और कोई भी गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि जो मैं कह रहा हूँ वही फिक्स है सब कुछ, और इतने भी एडमिशन आपका 100% हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है, लेकिन आप बता रहे हो कि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था मोस्टली बच्चे बता रहे हैं कि वो मॉडरेट था, तो चलिए उसको मॉडरेट मान लेते हैं। इस हिसाब से अगर देखें तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी कट ऑफ पर कोई फर्क डालने वाला इस साल नहीं है। हालांकि ये तीन फैक्टर हैं जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं कट ऑफ किस तरफ जाने वाली, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो लगातार बढ़ रहा है, और इस साल भी बढ़ेगा, कॉमर्स में भी बढ़ा है, तो उम्मीद है कि यहाँ पे भी बढ़ा होगा, क्योंकि कोविड में तो काफ़ी कम बच्चे आए थे, लेकिन अब कोविड जैसी कोई चीज़ रही नहीं, वैक्सीनेशन मैक्सिमम हो चुका है, तो अब ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट बैठे होंगे और पिछले साल से ज़्यादा ही बैठे होंगे, लोगों के पास लगातार इंटरनेट पहुँच रहा है, लगातार अवेयरनेस बैठ रही है, एजुकेशन की अवेयरनेस पहुँच रही है, एजुकेशन की वैल्यू लोगों को पता चल रही है, तो वो अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ये है तो सब कुछ है, प्रॉपर्टी तो हम कभी भी बना लेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो ये फैक्टर जो आपका चूंकि बढ़ रहा है इसलिए कट ऑफ कहाँ ले जाएगा, ये ऊपर की तरफ ले जाएगा कट ऑफ को, ठीक है। कुछ बढ़ता है तो ये ऊपर की तरफ ले जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें, अगर ये फैक्टर पिछले साल कुछ सीट बढ़ी थी लेकिन इस बार ऐसा कोई चांस नहीं है, ऐसा कभी कभार होता है, तो ये फैक्टर आपका जो है वो कट ऑफ में कोई रोल प्ले करने वाला नहीं है। तो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन जो कट ऑफ पिछले साल थी उसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है, कोई ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं दिखता कट ऑफ में। अब बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट वालों का, अब क्या होने वाला है। तो देखिए वेटिंग लिस्ट वालों का जहाँ तक सुना जाता है कि वो 400 तक, 250 से लेकर के 400 तक भी वेटिंग क्लियर हो जाती है। अगर आपकी वेटिंग 400 आती है तब भी आपकी वेटिंग क्लियर हो जाती है, और ऐसे में जो है बड़ी तादाद में बच्चों को एडमिशन मिलने के चांस होते हैं। क्योंकि बीए में कई बार होता है कि साइंस के बच्चे भी आ जाते हैं और वो चाहते हैं एमयू एनी हाउ मिल जाए एडमिशन, बीएससी में नहीं मिला तो चलिए बीए में मिल जाए, तो वो बीए में भी अप्लाई कर देते हैं, और ऐसे में जब अगर उनको बीएससी मिल जाती है तो वो बीएससी छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे स्विच करते हैं, दूसरे काफ़ी बच्चे कुछ और रीजन से स्विच कर जाते हैं, एमयू के बदले बदले वो जामिया में भी एडमिशन लेने, जामिया में फॉर्म भर देते हैं और मानू में भी फॉर्म भर देते हैं, कहीं और भी ढंग से जो नियरेस्ट बेस्ट यूनिवर्सिटी मिल जाती है, डीयू में मिल जाता है तो वहाँ चले जाते हैं। डीयू को हमेशा इसके ऊपर प्रेफरेंस मिलती है कि वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसकी प्लेसमेंट वगैरह एम्स से कहीं ज़्यादा शानदार है। और ऐसे ही बीएचयू के बच्चे भी ऐसा ही करते हैं कि उन बच्चों को अगर वहाँ बीएचयू में चांस मिलता तब भी वो एमयू में नहीं जाते, वो भी ड्रॉप मार देते हैं। तो ऐसे काफ़ी बच्चे छोड़ते हैं, इसलिए 250 से 400 तक जो है वो वेटिंग आर्ट साइड में बीए में क्लियर होती हुई देखी गई है, ठीक है। और जहाँ तक उन बच्चों का सवाल है जो कि कम नंबर लाए हैं लेकिन वेटिंग से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि भाई उन्हें सब्जेक्ट चॉइस मिले, सब्जेक्ट चॉइस उनको नहीं मिलनी अगर आपके नंबर 30 से कम है एक्सटर्नल में, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वेटिंग इतने तक आ जाती है तब आपका क्लियर हो जाएगा, इतना हम कह सकते हैं, ओके। तो अब आई थिंक हमने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए, स्टिल अगर आपको लगता है कुछ सवाल छूटे हुए हैं जिनका हमने जवाब नहीं दिया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए ताकि हर एक नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिल सके। और जो बच्चे नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको ये चाहिए कि टाइम से पहले वो अच्छी तैयारी करें और वो हमारे साथ बने रहें, तो हम काफ़ी हद तक मोटिवेट कर देते हैं बच्चों को कि वो कभी भी इस झंझट में ही ना पड़े कि नंबर सर कम हो गए, वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे डेफिनेटली, इतनी हमें उम्मीद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।